तुम सब किताब खरीद लेते हो तो एक सही रेगुलर ढंग से हम पढ़ सकेंगे। तो हम जानेंगे क्लास 7 फर्स्ट लेसन होता है इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीजर। जैसे हम देखेंगे इंटीजर 0, 1, 2, 3, इंटीजर 3 बड़े हम कर सकते हैं। इसे 0 से जो कोई एक ही हो, 1, 2, 3, 4 डॉट जहां तक भी हो क्या है कोई एक ही इंटीजर, और -1, -2, -3, -4 इसको क्या कह सकते हैं निगेटिव इंटीजर, और इसको पॉजिटिव इंटीजर। और 0 इज नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 ना ही निगेटिव है और ना ही पॉजिटिव, लेकिन 0 भी क्या है एक इंटीजर है, एक पूर्णांक है, समझ रहे हो सब। अब हम जानेंगे इसमें इवन नंबर के बारे में। इवन नंबर, इवन नंबर मीन्स होता है सम संख्या, क्या होता है सम संख्या, इवन नंबर सम संख्या, वैसी संख्या जो दो से, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी कर सके उसे क्या कहते हैं इवन नंबर। जैसे 12 डिवाइड बाय 2, 12 लिखा हुआ है कोई संख्या एक लिखेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, जो संख्या 2 से पूरा पूरी विभाजित हो सके, पूर्णतः विभाजित हो जाए, 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं इवन नंबर। जैसे 12 बाय 2 एग्जैक्टली डिविजिबल, पूरा पूरी क्या है विभाजित है, तो क्या है एक इवन नंबर। इवन नंबर क्या हुआ वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी कट जाए उसे क्या कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर मीन्स सम संख्या। अब हम जानेंगे ऑड नंबर, ऑड नंबर हुआ विषम संख्या, सम संख्या और विषम संख्या ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे इवन नंबर में हम क्या जानेंगे वैसी संख्या जो दूर से पूरा पूरी कट रहा है उसे क्या बोलेंगे इवन नंबर या सम संख्या, और दूसरा है ऑड नंबर, फर्स्ट इवन नंबर और दूसरा ऑड नंबर। ऑड नंबर मीन्स होता है विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी नहीं करते, वैसी संख्या सही से सुनना है डेफिनेशन, वैसी संख्या जो दो से पूरा पूरी नहीं करते उसे क्या कहते हैं विषम संख्या। जैसे तुम लिख सकते हो 3 क्या दो से पूरा पूरी डिविजिबल है, 3 बाय 2 पूरा पूरी डिविजिबल नहीं है, 1.5 क्या एग्जैक्टली डिविजिबल है, जो संख्या 2 से पूरा पूरी नहीं विभाजित हो उसे हम क्या कहेंगे ऑड नंबर। अगर लिख दिया जाए 7 बाय 2 बताओ क्या है 7 क्या है इवन नंबर है या ऑड नंबर है, तो इसको हम चेक करेंगे यह संख्या अगर 2 से विभाजित है तो इवन होगा, अगर 2 से विभाजित नहीं है तो ऑड होगा। जैसे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के समूह में 0, 1, 2, 3, 4 इसमें क्या है एक इवन एक और, एक इवन एक और, देखो 2 क्या है एक इवन नंबर है, 1 क्या हो जाएगा और 1 क्या है और, लेकिन अब जानेंगे 0 के बारे में, 0 एक इवन नंबर है, 0 क्या है एक इवन नंबर है, क्या है इसमें हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक निगेटिव और एक कोई एक इवन है और एक ऑड है। जैसे देख 2 क्या है इवन नंबर है, 2 इवन है, तीसरा क्या है और, फिर एक इवन एक और, इसी तरह से क्या है नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या के समूह में क्या है एक इवन है एक ऑड है, एक इवन है और एक ऑड है। अब हम जानेंगे प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर,
प्राकृत संख्या को ही कहेंगे, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहा जाता है, गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या। जैसे हम गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कोई जीरो से स्टार्ट करता है, ये गिनती हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन से, वन कोई भी स्टार्ट करना है कुछ भी, जैसे काउंट करना है कितने स्टूडेंट स्कूल आए हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वन से, तो वन से लेकर के आगे वन टू थ्री कहें कोई भी गिनती गिनने की बोला जाए कुछ भी गिनता है काउंट करता है तो वन से स्टार्ट करता है। तो जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं, जहां से हम गिनती स्टार्ट करते हैं वो क्या हो गया, प्राकृत संख्या। तो इसी को क्या कह सकते हैं, गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। जैसे गिनती हम कहां से स्टार्ट करते हैं, वन से, वन टू थ्री फोर फाइव, इस तरह से आगे बढ़ते जाए, क्या हो गया, एक प्राकृत संख्या है। और लेकिन गिनती की संख्या के, गिनती की संख्या क्या हुआ, एक दो तीन चार, इस तो क्या है, एक प्राकृत संख्या है, लेकिन नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या हुआ क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। डिफिनेशन को लिख लेना है, प्राकृत संख्या कोई भी पूछे, छोटा बच्चा अगर घर में पूछे तो उसको समझाना है, कोई छोटा बच्चा घर में किसको बताना भी है कि प्राकृत संख्या का क्या करते हैं, तुमसे घर में बैठे हुए नहीं रहना है, जो छोटा अगल बगल में छोटा बच्चा मिले उसको पढ़ाना है बैठे, और अपना टाइम अच्छे जगह यूज करना है, समझ रहा है सब, छुट्टी है तो घर में बैठ के पढ़ सकता है ना। चलो हम नेचुरल नंबर जाने, गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। हम गिनती एक से स्टार्ट करते हैं, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, क्या है, एक प्राकृत संख्या है। और आगे हम जानेंगे होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। अब देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देगा समझ जाएगा। अब ये प्राकृत संख्या क्या समझा, नेचुरल नंबर, कि जहां से गिनती स्टार्ट करते हैं वो सब क्या है, प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है, जैसे वन टू थ्री फोर फाइव, ये सब क्या है, प्राकृत संख्या है। लेकिन दूसरा इसके अलावा हम क्या पढ़े, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या में, गिनती की समूह में या संख्या में हम जीरो को ऐड कर देते हैं, गिनती की संख्या में अगर हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पूर्ण संख्या, क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। से गिनती की संख्या एक दो तीन है, और इसी समूह में अगर हम यहाँ स्टार्ट कर दे जीरो एक दो तीन चार डॉट 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 जहां तक लिख सकता है तो इनफिनिटी तक, क्या है, पूर्ण संख्या है। गिनती की संख्या में हम जीरो को शामिल कर देते हैं तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या, समझ आ गया समझे। चलो बताओ नेचुरल नंबर क्या हुआ, गिनती की नेचुरल नंबर की गिनती क्या हुआ, प्राकृत संख्या। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या। और इसके आगे क्या है, होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या, होल नंबर क्या होता है, पूर्ण संख्या। तो गिनती की संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या, क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। अब हम जानेंगे आगे परिमेय संख्या के बारे में, पांचवा हम जानेंगे रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होता है, परिमेय संख्या। अब देखो परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वैसी संख्या जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p by q इस फॉर्म में मतलब लिख सकते हैं, दो बटा तीन, तीन बटा चार, चार बटा पांच, जिसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं वह क्या हुआ, परिमेय संख्या। तो क्या हुआ इसे परिमेय संख्या, वैसी संख्या जिसे हम p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं वह क्या हुआ, एक परिमेय संख्या। अब देखो जहां एक कंडीशन में है p एंड q दोनों को नाम पड़ जाए, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स, p और q क्या है, दोनों एक पूर्णांक है। बट यहां ध्यान देना है, इस कंसेप्ट को सही समझना है,
क्यू पी वाई क्यू क्यू के स्थान पर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू के स्थान पर जीरो हुआ तो क्या है, परिवेशन क्या नहीं रह जाएगा। जैसे हम देखेंगे दो बटा तीन, लेकिन क्यू के स्थान पर थ्री है, अगर कोई भी क्यू के स्थान पर जीरो आता है तो उसका वैल्यू इनफिनाइट हो जाता है, संख्या अपरिभाषित हो जाता है, उसका कोई मान नहीं रह जाता है। फोर बाई जीरो, अगर फोर बाई जीरो लिखा हुआ मिले तो क्या हो जाएगा, इनफिनाइट, इसका मान कुछ भी नहीं रह जाता है, ये अपरिभाषित संख्या को कह सकते हैं। तो किसी भी संख्या के नीचे जीरो लिखा हुआ रहे तो आज से क्या समझना है, कोई कुछ भी नहीं लिखा हुआ उसका वैल्यू अमान्य है, अपरिभाषित है, उसका वैल्यू क्या। लेकिन जीरो बाई फोर, जैसे जीरो बाटा फोर बाई जीरो क्यू के स्थान पर जीरो आया, इसका वैल्यू क्या है, इनफिनाइट हो गया, अपरिभाषित। लेकिन अब देखेंगे जीरो बाई थ्री एक परिमेय संख्या है, जीरो बाई थ्री एक परिमेय संख्या है। अब देखेंगे परिमेय संख्या कौन कौन सा है, जैसे रूट थ्री लिखा हुआ है, क्या एक परिमेय संख्या है ये, इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकता है, नहीं, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अब बताओ रूट फोर परिमेय संख्या है या नहीं, रूट थ्री परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन रूट फोर बताओ रूट फोर है। जैसे देखो रूट के अंदर फोर लिखा हुआ है तो इसको हम रूट से बाहर कर सकते हैं, दो का स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट गया दो, दो बटा एक लिख सकते हैं, क्या हो गया, परिमेय संख्या रूट फोर है, लेकिन रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है। रूट थ्री, रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब क्या है, एक परिमेय संख्या नहीं। बारह